Hey, what's up guys, Yours in Tech Shit. दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेन ड्राइव का डेटा सेपरेटली लॉक कर सकते हैं, मतलब उस पेन ड्राइव का डेटा देख सकते हैं एंड उसे डिलीट नहीं कर सकते ना ही कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों हम यहां पर एक सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे जिसके अंदर आप यूजर्स बना सकते हैं कि कौन सा यूजर क्या डेटा एक्सेस कर सकता है या फिर क्या डिलीट कर सकता है या फिर कॉपी कर सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दी है एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक बार इसे टेस्ट कर रखा है इस सॉफ्टवेयर को। तो मैं सिंपली सबसे पहले फॉर्मेट कर देता हूँ पेन ड्राइव। तो दोस्तों हमारी पेन ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं कुछ डेटा भी डाल देता हूँ, सैंपल डेटा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इमेजेस एंड एक वीडियो मैंने इसमें पेस्ट कर दी है। अब मैं फटाफट से इसे लॉक करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल पर। तो दोस्तों गूगल पे जाने के बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना है, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर एक आता है कॉपी प्रोटेक्शन का सेक्शन, वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है यूएसबी कॉपी प्रोटेक्शन। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर दोस्तों 5 से 7 दिन के लिए फ्री काम करता है एंड आपका काम चला देगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पर इस सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है, मेरा सॉफ्टवेयर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएसबी कॉपी प्रोटेक्शन डॉट ईएक्सई फाइल यहाँ पर आ गई है। सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पर आपको यूजर गाइड पे टिक हटा दीजिए। सिंपली आपको इसे लॉन्च करना है। सो यहाँ पर 5 डे का ट्रायल के आपके पास एक इंटीमेशन आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पेज सबसे पहले खुलेगा यानी कि स्टेप 1 के अंदर हमें अपनी यूएसबी ड्राइव को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इस पर यूएसबी ड्राइव को ऑटोमेटिक से डिटेक्ट कर लिया है, मैंने सिर्फ सिंपली टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है परमिशन। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 यूज़र तक आप इजीली से लगा सकते हैं। पहले यूज़र का नाम मैं यहाँ पर राहुल रख देता हूँ, ठीक है। दूसरा यूज़र मैं आपको अमित रख देता हूँ यहाँ पर। एंड दोस्तों आप यूज़र के यहाँ पर पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि राइट एक्सेस देना है या फिर रीड ओनली एक्सेस देना है या फिर फुल एक्सेस देना है, तो वो यहाँ पर परमिशन आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीड एक्सेस देना चाहता हूँ, यानी कि सिर्फ फाइल देखी जा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राहुल एंड अमित जो है तो मैंने यूज़र बना दिए हैं। उसके बाद हम जाएंगे तीसरे ऑप्शन पे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये इंक्रिप्शन मेथड पूछ रहा है कि कौन सा आपको लेना है। तो दोस्तों जितना आप हाईएस्ट लेंगे उतना इसका डेटा प्रोसेस होने में टाइम लेगा और इसे थोड़ा सा टाइम प्रोसेस करने में लग जाएगा। तो मैं इसे सिंपली नॉर्मल पर रहने देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्पीड मिले। एंड दोस्तों उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है इंक्रिप्शन नाउ का। यहाँ पर दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो 1 से लेके 6 तक ही रहेगा, बट यहाँ पर एक पासवर्ड भी आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए, मैं एक पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो सिंपली आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आपका सारा डेटा दोस्तों प्रोसेस हो जाएगा एंड दोस्तों ये दिखा रहा है कि आपका जो इंक्रिप्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस पेन ड्राइव को दोस्तों मैं जैसे ही वापस अपने कंप्यूटर में लगाता हूँ या फिर मैं अपने किसी दोस्त को क्लाइंट को देता हूँ कि ये लीजिए इसके अंदर कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे वो सिंपली इसे इंसर्ट करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पर ये पेज उन्हें मिलेगा यानी कि पेन ड्राइव के अंदर एक सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। सिंपली दोस्तों उन्हें इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एडमिन आ रहा है ऊपर एंड राहुल एंड अमित एंड यूज़र 3 आ रहा है, यानी कि अगर मैंने इसे राहुल को दिया तो राहुल अपने यूज़र नेम पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डालेगा। तो हमने पासवर्ड लगाया नहीं था, सिर्फ रीड एक्सेस दिया था, तो सिंपली इसे ब्लैंक छोड़ के ओके कर देगा। जैसे दोस्तों उसे ओके करेगा यहाँ पर उसे वो सारी फाइल्स दिख जाएंगी जो हमने इस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज मैंने इसके अंदर डाली थी वो सारी इमेज यहाँ पर शो कर रही हैं। यहाँ से हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। इन फोटोज़ को दोस्तों मैं कहीं भी ड्रैग नहीं कर सकता हूँ, जैसे ही मैं इसे ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ ये सिर्फ ओपन हो जाती है। एंड दोस्तों मान लीजिए अब अगर मैं एडमिन पे जाता हूँ तो एडमिन का जो पासवर्ड था वो 1 से लेके 6 तक डिफॉल्ट था। सिंपली मैं उस पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ऊपर की तरफ जो आइकन्स हैं वो कॉपी पेस्ट डिलीट सारे ऑप्शन जो हैं वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया है तो ये कॉपी हो जाएगा एंड सिंपली मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो इजीली कॉपी हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड दोस्तों अगर आप कोई लेटेस्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करते समय सामने वाले की तरफ ये मैसेज पहुंच जाता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि योर कॉल हैज़ बीइंग रिकॉर्डेड,
तो उसका एक तोड़ एक सोल्यूशन मैंने निकाल लिया, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना दी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन या फिर इस वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, इसे फॉलो करते ही आप कोई सी भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी लेटेस्ट फ़ोन के अंदर। वैसे रियलमी ओप्पो वीवो वन प्लस के फ़ोनों में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसके अंदर ये गूगल डायलर में लॉक था ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन। एंड दोस्तों नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए एंड वो वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तक ले बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट।